हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो दीक्षा ऐप पर भाग की समझ कोर्स है, जिसे ज्वाइन करने का लास्ट डेट है 19 मार्च 2023। इस डेट तक आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो है, आप इसे देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाग की समझ आकलन। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। भाग की अवधारणा को विकसित करने के लिए सीखने सिखाने का एक निश्चित क्रम क्या होगा? तो इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा ELPS। अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन, इनमें से गणित की मौलिक संक्रियाँ कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा भाग। किसी संख्या में एक ही संख्या को बार बार घटाने की संक्षिप्त प्रक्रिया कौन सी अवधारणा का परिणाम है? तो सही आंसर हो जाएगा भाग। अगला क्वेश्चन, बच्चे को भाग के अभ्यास को करने से पूर्व कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए? तो इसमें स्थानीय मान की पूर्ण समझ का होना, घटाने की अवधारणा से अवगत होना, बच्चे को घटाने और भाग के सहसंबंध की जानकारी का होना, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाग क्या है? तो भाग किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाने की संक्षिप्त प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक स्तर पर बच्चों में भाग की अवधारणात्मक समझ के आकलन और सुधार के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए कक्षा कार्य करते समय रोचक गतिविधियों को कराने के दौरान बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना, भाग की समझ के लिए विविधता भरे रोचक अभ्यास कराना, भाग से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपलब्ध वस्तु की संख्या में से एक समान वस्तुओं को लगातार निकालने पर अंत में कोई भी वस्तु शेष नहीं बचती, तो एक समान वस्तुओं के बार बार घटाए जाने की अवधारणा को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा भाग। अगला क्वेश्चन, बच्चों में भाग की अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए आवश्यक है? इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों के पूर्व के ज्ञान को जानना, परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं के अभ्यास के अवसर की उपलब्धता, जोड़ की समझ का होना, घटाने की अवधारणा की समझ। तो सही आंसर इसमें आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुरुआती स्तर पर बच्चे अपने दैनिक जीवन में आपस में चीज़ों को बांटने के दौरान कौन सी क्रिया करते हैं? बच्चे पहले अपने सभी मित्रों को एक एक वस्तु देते हैं, अपने पास अधिक वस्तु रख जाने पर फिर से एक एक वस्तु देते हैं, एक एक वस्तु को तब तक बांटते हैं जब तक कि कोई वस्तु शेष न बचे, उपयुक्त सभी। तो सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शुरुआती स्तर पर भाग की समझ एवं उसके प्रभावी शिक्षण का सबसे उचित माध्यम कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा कक्षा शिक्षण के दौरान ठोस वस्तुओं के माध्यम से गतिविधियों का प्रयोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन 10, आंसर 10, स्किप एक भी नहीं है। अब हम इसे सबमिट करते हैं। देखिए सबमिट करने पर मेरा 10 of 10 आ गया। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। अगर इस कोर्स से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।